हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में देखेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। व्हेन एन एक्सप्रेशन और द स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑपरेटर्स, जब एक एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है और यू कैन से मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है, पाइथन रिजॉल्व्स द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन थ्रू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो पाइथन उस स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हेल्प से रिजॉल्व करता है, इवेल्युएट करता है, उसको सॉल्व करता है, राइट। For example, the expression here we have the expression will be evaluated in the given below order. Okay, तो ये जो expression आपको दिया गया है 7 × 8 divided by 5 floor division 2, तो ये कैसे solve होगा? ये इस तरीके से solve होगा, सबसे पहले 7 × 8 होगा, right? जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, ओके। और जो रिजल्ट आया है आपका 11.2, उसको आपने क्या किया? फ्लोर डिवीजन किया। अभी कैसे पॉसिबल हुआ, हमें कैसे पता चला कि पहले मल्टीप्लिकेशन ही होना है, फिर डिवीजन होना है, उसके बाद फ्लोर डिवीजन होना है, या फिर इसको लेफ्ट टू राइट क्यों सॉल्व किया है, इसको हम राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं कर सकते थे? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कौन बताता है कि आपको कैसे एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है? उसके लिए आपके पास है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, राइट। देखो, अब यहाँ पे हम लोगों को एक टेबल दी गई है जहाँ पे बताया गया है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितनी जाता है। तो सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस, जो सबसे ज़्यादा, जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ठीक है। तो आपको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, हाईएस्ट वाला फर्स्ट सॉल्व होगा, फिर उससे बिलो वाला सॉल्व होगा, फिर उससे बिलो वाला सॉल्व होगा, लाइक दिस, ओके। तो आपको इस टेबल को समझना है कि कौन सा जो सिंबल है, कौन सा ऑपरेटर है, वो पहले आया हुआ है, कौन सा बाद में आया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने एक्सप्रेशन को, अपने स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट हमारे पास पैरेंथेसिस है, देन एक्सपोनेंशिएशन है, देन विटवाइस नॉर है, देन आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स हैं, ओके। देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड रिमाइंडर, इनकी सेम प्रेसिडेंस है। आपके पास फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, बिटवाइस एंड, बिटवाइस एक्सॉर, बिटवाइस और। देन वी हैव द कंपेरिजन ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, बूलियन नॉट एंड एन और। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है वो आपकी पैरेंथेसिस है, और लोएस्ट है आपकी और ऑपरेटर की, ओके। तो इस टेबल को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 100 + 5 × 3, ओके, आपका रिजल्ट आ गया 115। अभी कैसे सॉल्व हुआ है, ओके, तो ये देखेंगे। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से एडिशन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये होगा 5 × 3, राइट, 15 आ गया। उसके बाद ये 100 में आपका प्लस होगा 15, राइट। सबसे पहले 5 × 3 होगा, राइट, एंड देन रिजल्ट आ गया आपका 15, वो आपका 100 से प्लस होगा, ओके। तो तब आपका रिजल्ट आएगा 115, ओके। तो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज हो रहा है कि जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो वाला ऑपरेटर पहले वर्क करेगा, राइट, ओके। अब एक एग्जांपल और हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने लिखा 5 + 4 − 7 + 3, ओके। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैव सेम प्रेसिडेंस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम प्रेसिडेंस है। अब इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, जब दोनों का सेम है तो किसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इसके लिए हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी को यूज़ करते हैं, ओके। वो क्या होती है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज द ऑर्डर इन विच एन एक्सप्रेशन हैविंग मल्टीपल ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस इज इवेल्यूएटेड। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी एक ऑर्डर होता है जिसकी हेल्प से मल्टीपल ऑपरेटर्स जिनकी प्रेसिडेंस सेम है उनको सॉल्व किया जाता है, उनको इवेल्यूएट किया जाता है एक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। जो अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे जहाँ पे प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, ओके। ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। जब मल्टीपल ऑपरेटर हों जिनकी सेम प्रेसिडेंस है एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्ट एक्सपोनेंशिएशन व्हिच हैव राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। सिर्फ एक्सपोनेंशिएशन को छोड़कर जो कैसे सॉल्व होता है, राइट टू लेफ्ट, ओके।
तो हम जब इस पे एंटर प्रेस करेंगे, देखो हमारा आंसर 5 आया है। अब यहाँ पे देखेंगे आंसर 5 कैसे आया है, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, ओके, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग। फाइन, तो सबसे पहले आपका है होगा 5 + 4, आंसर क्या आ गया 9, 9 आ गया। अब होगा आपका 9 - 7, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट 9 - 7 होगा, ओके। फिर आपका आ गया 2, फिर आपका क्या होगा 2 + 3, राइट, दिस इज योर आंसर। आपका आंसर 5 आया था, आपका आंसर 5 ऐसे आया था, ओके। जब सेम ऑपरेटर, सो सेम ऑपरेटर्स मीन्स द ऑपरेटर्स हैविंग सेम प्रेसिडेंस, राइट, ओके, तब क्या करना है आपको, लेफ्ट टू राइट अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ओके। अब और एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने एक यहाँ पे लिया 7 × 8 / 5 फ्लोर डिवीजन 2, राइट, ओके, इसको हम करेंगे एंटर, तो आपका एग्जाम, आपका आंसर आया 5.0। अब ये 5.0 कैसे आया है, अब देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और फ्लोर डिवीजन है, ओके, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम है, ठीक है। तो अब इस कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करेंगे। तो जो हमारा 5.0 आंसर आया है वो कैसे आया है, सबसे पहले आपका होगा 7 × 8, राइट, आंसर आ गया 56। अब 56 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आ गया 11.2। अब 11.2 का आप फ्लोर डिवीजन निकालोगे, ठीक है, बाय 2, इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 5.0, देखो ये आपका आंसर आ गया 5.0, ठीक है, ओके। वन मोर एग्जांपल वी विल सी, देखो हमने यहाँ पे लिया 7 × 8, राइट, डिवाइडेड बाय 5, देन फ्लोर डिवीजन 2, दिस, ओके। अब देखो आंसर आपका क्या आया, 5.0 आया है, 5.0 आया है, क्यों, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आपका क्या सॉल्व होगा, आपका पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हमारा 7 × 8 सबसे पहले आएगा, 7 × 8, 56, अब 56 आपका सेकंड पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, ठीक है, 56 विल बी डिवाइडेड बाय द 5, 11.2, सेम 11.2 का आप फ्लोर डिवीजन निकालोगे, ठीक है, तो आपका 5.0 आ गया, राइट, आपने सबसे पहले ये जो आपका इनर पैरेंथेसिस था इसको सॉल्व किया, फिर देन आपने आउटर पैरेंथेसिस को सॉल्व किया, देन आपने कंप्लीट जो एक्सप्रेशन था वो आपका सॉल्व हो गया, फाइन। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, हमने किया 7 × पैरेंथेसिस में 8 / 5 फ्लोर डिवीजन 2, ओके, आपका आंसर है 0.0, ये आंसर कैसे आया, सबसे पहले देखो पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 8 / 5, आंसर आ गया 1.6 का आप फ्लोर डिवीजन निकालोगे, विल बी डिवाइडेड बाय द 2, ठीक है, ये जो आपका 1.6 आया, अब आप इसको फ्लोर डिवीजन करोगे बाय द 2, ठीक है। अब देखो आपका 0.0 आ गया, अब 0.0 किससे मल्टीप्लाई होगा, आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 × 0.0, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 0.0, ठीक है, ये आपका रिजल्ट था, 0.0 आपका रिजल्ट निकल के आ गया, फाइन। एक एग्जांपल और देखते हैं, हमने किया 7 × 8 / 5 2, ओके, ओके, दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब देखो सबसे पहले इसका आपके पास आंसर आया है 28.0, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपका फ्लोर डिवीजन होगा यहाँ पे 5, फ्लोर डिवीजन 2, आपके पास 2 आया, ओके, अब यहाँ पे इसका जो आंसर आया है वो 2 आया है, अब हम क्या करेंगे, 8 / 2, ओके, अब ये आपका ये पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, ठीक है, आंसर आ गया 4.0। अब क्या होगा, 7 आपका होगा 7 × 4.0, आपका आंसर आ गया 28.0 जो निकला था एक्सप्रेशन से,
ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया। सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व हुआ, फिर आपका ये पैरेंथेसिस कंप्लीटली सॉल्व हुआ, देन आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एक्सपोनेंशिएशन का, राइट। तो यहाँ पे हम लेंगे, ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन है। एक्सपोनेंशिएशन के केस में क्या होता है, आपका राइट टू लेफ्ट आपका एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। तो इसका आंसर आपका ये आया। तो ये कैसे सॉल्व होगा, पहले आपका होगा दिस, आपका ये सॉल्व होगा, मतलब थ्री रेज टू पार टू, ओके, आपका आया 9, एंड उसके बाद आपका होगा 3 रेज टू पार 9 दिस, ओके। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये कैसे सॉल्व हुआ है, पहले 3 रेज टू पार 2, आंसर आया 9, देन आपका ये वाला 3 है, 3 रेज टू पार 9, दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ एक और देख लेते हैं इसके अंदर एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया है, तो पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा, ओके, 2, राइट, दिस इज योर आंसर। तो ये कैसे सॉल्व हुआ है, पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा आपका 3 रेज टू पार 3 27, देन 27 रेज टू पार 2, ओके, फाइन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।